नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। सोमकुंड पर स्नान की परंपरा है और उसमें काफ़ी संख्या में इसमें सोमकुंड पर जल फपारी की व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था और पेयजल इत्यादि व्यवस्थाएँ उनके साथ 11-12 जून को छिपरा तीर परिक्रमा का कार्यक्रम हो सकता है। उस समय सेम स्टार्टिंग का आराम रखी है और क्योंकि पिछली बार लोगों ने चारा पशुओं को लाया था और ग्रामीण और फिर जो ग्रामीण है कि पूरा एरिया हमारा रास्ता क्लियर हो, तो वो ये सब वाली जगह राम घाट पे भी अपने क्लीनिंग प्रॉपर हो जाए, आप लोग स्पीडली करना शुरू कर दें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जो रोप्स होते हैं जो आप घाट पर लगाते हैं वो उनको टाइट कराएं। क्लीनिंग के लिए आपकी जो व्यवस्था है उनके घाट जो कार्यक्रम के लिए होती है उसको भी आप लगातार चालू चालू रखिएगा। दूसरा, बाजारों में भीड़ भाड़ बहुत है, मेरा भी बीच में भाई साहब से मिलते हैं, इकट्ठी करते हैं, हमारा टीका भी लगा रहा है वहाँ, कल कल तो पहुँच चुका है बता रहा हूँ, तो वहाँ वो सभी निकल लग गया ठीक मानने वाले, अब आपके बच्चे हैं महिलाएँ हैं अपना पिछली गई रात को भी हादसा खराब था, मगर उसी वक्त पुलिस चौकर मौके पर बचाइए बड़ी बात बहुत अच्छी से, और जिस तरीके से ये फोर्स आपने पढ़ाया है थोड़ा सा फोर्स और चाहिए होगा। दोनों ही जगहों पर स्नान घाटों में जो चेंजिंग रूम्स की है और मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं वो इशू करा लीजिएगा, इसलिए भी आप अपना दोनों जगह प्रॉपरली बिजली आपकी सब चालू रहे और कोई ऐसा इतना इतना बड़े आप इशू कराइएगा, ठीक है ना। और भी अधिकारी हैं, कम से कम 8 से 10 सोमवती तो कराई चुके होंगे, 4-5 तो मैं करा चुका हूँ, तो सभी को व्यवस्था के बारे में अच्छे से पता है। बस आप लोगों को कुछ अगर सुझाव हो जिसको हम शामिल कर रहे हैं करना चाहें आप देना चाहें तो उसके लिए आमंत्रित सोमवती का है, उसके बाद आपका ईद का त्यौहार आएगा, फिर महाराणा प्रताप जयंती है, एक गंगा दशहरा का बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ है, तो ये लगातार मुझे लगता है कि पहले पकौड़ा जो है काफ़ी व्यस्त रहेगा कार्यक्रम के मान से, और वर्तमान में भी जो है रमज़ान चल रहा है, ईद तक जो है भीड़ सब जगह रहती है, उसमें भी हमको सामंजस्य बना के सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही सारे त्यौहार जो हैं सेलिब्रेट करते हैं। 3 तारीख को सोमवती है, 5 या 6 को ईद हो सकती है, 5 को बौरा समाज की है, तो बहुत नज़दीक हैं दोनों कार्यक्रम। सोमवती में भी काफ़ी तादाद में लोग आएंगे, भीड़ होगी, और शाम के समय मंदिर में दर्शन करने काफ़ी लोग आते हैं, उसी समय हमारे इफ्तार का समय होता है, तो वो भी एक ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों के सहयोग से, और कुछ सुझाव हो तो आपको बता दें।